When I started meditating, you know, एक एक schedule follow करना start किया and in a very disciplined manner, तो मुझे अपने आप ही रास्ता दिखता गया. I mean, उसके लिए किसी की मेरे को you know advice की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की instructions की जरूरत नहीं पड़ी. तो it was all natural, it was all spiritual, I would say because uh, जब आप meditate करते हो, तो आपकी focus level बढ़ जाता है, आपकी mental stability. Uh, हो जाती है तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया अ स्पिरिचुअल पर्सन कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो एक्टिव हो जाता है एंड यू कैन सी व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग वेरी क्लियरली हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लाए लाइव इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बेहद इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद हैं ये एक लॉयर हैं लीगल इन्फ्लुएंसर और जोस्टो के स्पीकर भी हैं सो प्लीज वेलकम आशीष डावर थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हेयर एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो डिस्कस सम थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों पे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इन चीजों का श्योर आई थिंक मैं भी एक्साइटेड हूँ काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं आपके पास में लीगल्स को लेकर के तो शुरुआत में ये जर्नी कैसे आपने शुरू करी ये इंटरेस्ट कब जागा या फिर कोई फैमिली बैकग्राउंड है कैसे ये जर्नी शुरू हुई नहीं सर देखिए ऐसा है कि मैं आई एम आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माय होल फैमिली एंड कोई मेरे आसपास भी इर्द गिर्द भी कोई वकील नहीं है सो so, प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि मैं एक्सीडेंटली लॉयर बन गया मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था जो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी

फिर जब एन के वो पाँच दिन थे वो जो एस के पाँच दिन थे वो इतने मैसवराइजिंग बट मैं इतना पढ़ाकू नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट बट मेरे को एक जैसे कहते नहीं ब, ब, कीड़ा काट गया का करना ही करना है मतलब oh. तो वो मैंने डेढ़ दो साल दिए बट नहीं हो पाया होना भी नहीं था वो उस टाइम मतलब जो मेरा अप्रोच थी बट उसके बाद वही पीयर प्रेशर पड़ गया कि साल डेढ़ साल बर्बाद हो गया आपका आप अप क्या करोगे कैसे नहीं करोगे फिर बाय एनी चांस हमने एक एक लॉ कौल, कॉलेज में मैंने एंट्रेंस दे रखा था तो वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई एडमिशन मिल गया तो वहाँ से मेरा लॉ का सिलसिला चालू हो गया इन अर्ली डेज आपको काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन इशूज और फोकस के इशूज रहते थे तो हाउ यू डेल्ट विद डेट या देखिए बिल्कुल रहते थे आई अग्री विद यू काफ़ी ज़्यादा मैं डी था लाइफ में डी था मतलब मेरे को पैसे कमाने का बड़ा कीड़ा था उस टाइम पर अच्छा तो आई आई हैड टू मेंटेन माय लाइफस्टाइल आई हैड टू मेंटेन एवरीथिंग बट घर वालों से यू you नो know, उतना सपोर्ट नहीं ले पा रहा था मैं एंड घर वाले वॉज लाइक तेरे को पढ़ा दिया लिखा दिया अब आगे देख ले तो खुद ही <laughs> तो एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी मतलब ये सब के साथ ऐसे ही होना चाहिए तो uh, उस टाइम पे आई हैड हैड बीन इन टू मैनी बिजनेसेस जो कि फेल हो गए सो so, जिसकी वजह से मेरा फोकस भी काफ़ी बिगड़ा मेंटल हेल्थ भी बड़ी बिगड़ी सो so, लॉकडाउन uh, का टाइम है अब 2019 एंड 20 का टाइम था तो कोविड uh, आया कोविड में यू you नो know, uh, काम आना जाना बंद हो गया कोर्ट जाते थे कोई काम नहीं बचा कुछ इनकम नहीं बची एंड उसके बाद यू नो आई गिवन अ थॉट कि यार भाई अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस होता है क्रिएट होता है तब तो मतलब तीन तीन महीने के कोविड uh, ब्रेक्स लग रहे थे बट अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट होता है कि भैया दो महीने दो साल के लिए हो गया एक साल के लिए हो गया तब मैं क्या करूँगा राइट एंड मेरे अंदर भी ये बात थी कि सेल्फ स्टीम थी कि घर वालों से नहीं लेना घर वालों से नहीं लेना बिकॉज इट्स बिन डन एंड डस्टेड हो गया घर वालों से ले भी लिया कर भी लिया सारी चीज़ें हो गई देन यू नो आई स्टार्टड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ मैं अपने ऊपर टाइम देने लग गया मैंने मतलब अब काफ़ी सारे दोस्त यार थे सबसे कट ऑफ कर दी एंड अपने आप को कमरे में बंद कर लिया काफ़ी टाइम के लिए तो uh, उसके बाद मेडिटेशन करी यू नो आई आई यूज टू वेकअप एट थ्री एम इन द मॉर्निंग उसके बाद मैं चार बजे अपनी मेडिटेशन करने चला जाता था पेड़ के नीचे बैठ जाता था मतलब दिस इज़ हाउ आई इट वॉज़ माई रूटीन फॉर टू एंड हाफ़ ईयर्स टू एंड हाफ थ्री ईयर्स सुबह उठना चार बजे मेडिटेशन के लिए जाना वॉक करना जॉगिंग करना एक्सरसाइज करना उसके बाद आके अपना खाना पीना और इसी चीज पे फोकस कर लेना बट वही है उस टाइम पे क्या सोशल मीडिया चलता था ज़्यादा मैं भी आई विद माई सोशल मीडिया स्टाफ मतलब देखता रहता था क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता नहीं था ज्यादा टीवी होता था सोशल मीडिया होता था तो सोशल मीडिया करते 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 एकदम से आइडिया आ गया दिमाग में कि यार चलो अब इसी चीज पे फोकस करते हैं इसी चीज में कुछ यहीं से वो जो जो डिजिटल कंटेंट वही वही कुछेंट के बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल तो उसके लिए जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बिकॉज दे आर सो मैनी क्रिएटर्स जो कि शुरू तो करते हैं मगर वो जो इंस्टेंट रिजल्ट की कहीं ना कहीं उन्हें एक आशा रहती है कि तुरंत कुछ रिजल्ट मिल जाए तो बढ़िया रहे तो उस फेज़ को किस तरीके से आपने डील किया एंड हाउ यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी वो जो लगातार मोटिवेशन चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए सर वही बात है फोकस आपका होना चाहिए और मेंटल हेल्थ एकदम स्टेबल होनी चाहिए अगर मैं आपके शो पर बात बोल रहा हूँ तो मेंटल इज द की वर्ड सो इट हैज टू बी वेरी स्टेबल एंड यू हैव टू बी वेरी स्टेबल विद दैट आपको आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं यू जस्ट हैव टू प्लान थिंग्स कि हाँ आज मैंने इतना टास्क करना है कल मैंने इतना कंप्लीट करना है परसों इतना करना है एंड दिस इज हाउ यू सी योर सेल्फ आफ्टर यू नो आफ्टर वन ईयर कि हाँ मैं एक साल बाद इतना यहाँ पे पहुँच जाऊँगा दो साल बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा बट मेरा ये बिलीव है यार आप बेबी स्टेप्स लेते रहो एंड यू नो हर दिन आप यू uh, नो you know, एक गोल सेट करो आज मैं इतना करूँगा ही ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है बट कम न मत मतलब उस चीज़ को कम मत करो ड्यू टू एनी सर्कमस्ट ड्यू टू एनी सिचुएशन आप उस चीज़ को कम मत करो बट ज़्यादा कर लो तो सो ट्रू बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल अटैच दैमसेव टू रिजल्ट फॉलोअर्स उससे अटैच करके रखते हैं तो इनिशियली कब से आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मिलने चालू है क्योंकि कई बार शुरुआत में तो एकदम से तो Uh, नहीं वो अटेंशन मिलती है या वो ग्रोथ मिलती है सर देखिए टाइम तो लगा मतलब तीन साल बाद एक ऐसा टाइम आया कि हाँ यार अब मैं कुछ इसमें से कमा रहा हूँ मतलब अच्छा मत, पैसों का तो मैं वैसे भी आपको बताऊँ कि हाँ आई नीड दैट मनी टू यू नो मेनटेन एवरी थिंग बट हम कुछ गलत भी नहीं करते बट ये है कि हाँ यार कपड़ों का शौक है इसका शौक है गाड़ी का शौक है कोई कोई फालतू चीज़ों का शौक़ नहीं है मतलब नशे हो गए ये हो गया फलाना हो गया उन चीज़ों का नहीं था अपना यही है कि हाँ कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें दिमाग में रखी राइट right. और स्टार्टिंग uh, में तो इस इस इसलिए कर रहे थे कि हाँ यार चलो एक चीज़ मिल गई हमें एक रास्ता मिल गया जस्ट टू यू नो स्प्रेड आर नॉलेज तो uh, वो सोशल मीडिया के थ्रू मिला हमें उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं था कि इसके थ्रू भी हम कमा सकते हैं तो ये तो हर डेली कर करके कर के कर, करके कर, कर, हर दिन कुछ ना कुछ सीख सीख कर पता लगा कि हाँ यार सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ वे ऑफ अर्निंग और यहाँ से भी हम अपना लिविंग बना सकते हैं तो वो चीज़ कब समझ आई जब हमने दो ढाई तीन साल कंसिस्टेंटली इसको सोशल मीडिया को दिया और तब जाके मेरे को एक यू you नो know, पाथ मिला कि हाँ यार इससे ऐसे कमा सकते हैं मोनेटाइज है, भी किया जा सकता, सकता है राइट सो अभी क्या मोटिवेट करता है एक तो आपने कहा कि यस कि आपके ड्रीम्स हैं गोल्स हैं और क्या मोटिवेशन का सोर्स रहता है वेन यू मेक कॉन्टेंट वट इज़ मोटिवेटिंग यू सर मोटिवेशन यही है यार सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है लोगों की दुआएँ और अगर आप कोई यू नो मेरा ये मानना है इन्फॉर्मेटिव चीज़ अगर आप कुछ दे रहे हो किसी को किसी के यू you नो know, ऐसी चीज़ दे रहे हो जो कि यू नो बड़े डायजेस्टिव वे में बड़े एक्सेसबल वे में उसको समझ आ रही है इन दैट पर्सन कैन यूज दिस थिंग इन देर डेली चोर्स तो उस चीज़ों से क्या होता है सर मैं खुद देखता हूँ कि कमेंट्स आते हैं मेरे पर मैसेजेस आते हैं कि यार आपने मेरा ये सॉल्व करवा दिया सर थैंक यू सो मच आपकी इस वीडियो की वजह से ये हो गया ट्रैफिक वाले से मैं बच गया मेरा ये <laughs> सॉल्यूशन हो गया मेरा ये हो गया सो मैं सोचता हूँ यार इतने लोग हैं मतलब आई रिसीव थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेज एवरी और उसमें से आप लगा लो दो चार सौ मैसेजेस होते हैं थैंक यू वाले थैंक यू वाले मैं फिर आई फील वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मेरे को एक ज़रिया बनाया एंड यू नो एक पाथ दिखाया कि वेर आई कैन हेल्प पीपल तो ये एक अलग लेवल का मोटिवेशन है एक अलग अलग लेवल की इका है मैं भी कई बार आपके वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि आप अलग अलग ऐसे टॉपिक्स पर बनाते हैं तो मुझे वो देख कर के एक्चुअली लगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम एटलीस्ट जैसे ये ट्राफिक वाले किससे हो गए या फिर सिंपल जो एनिमल से रिलेटेड राइट्स हैं या एक विमेन के घर में क्या राइट्स हैं सो वॉट इज़ योर टेक ऑन दिस की क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ थोड़ी जानकारी कोई एजुकेशन इसके बारे में रहनी चाहिए क्यों सिर्फ जो लॉ ले उसी को ही डिटेल में पढ़ने का मिलना चाहिए या फिर बाकी सब्जेक्ट जैसे आप सिखा रहे हो जोग्राफी सिखा रहे हो हिस्ट्री सिखा रहे हो तो एटलीस्ट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वॉट इज योर टेक ऑन दिस देखिए मैं जहाँ तक जानता हूँ हमें स्कूल में फंडामेंटल राइट्स सिखा दिए जाते हैं और मेरा भी यही मानना है कि जो लॉ है वो यू you नो know, एक मैंडेट कर देना चाहिए सब बच्चों के सिलेबस में हाँ यार मतलब एक यू you नो know, आप बेस सेट कर लो जस्ट नॉट द फंडामेंटल राइट्स आप कुछ चीज़ें भी बताओ लोगों को फॉर एग्जांपल कंज्यूमर राइट्स क्या है यू नो ट्रैफिक रूल्स क्या है ये yes. इसके अलावा ये चीज़ें अगर लोगों का बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो देन पीपल कैन ऑल्सो सी लाइट वेयर इन यू नो पीपल कैन गो फॉर लॉ इन देयर करियर रिस्पेक्टिव करियर्स एज वेल बट जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एक एडवोकेट हूँ बाय एन एक्सीडेंट तो मुझे नहीं पता था कि लॉ की लाइफ क्या होती है कैसे होती है बट यू नो मैं घुस गया अंदर तब जाके मेरे को मैंने एक्सप्लोर की चीज़ें एंड देन आई फाउंड इट वेरी यू नो मेसमराइजिंग कि हाँ यार ये चीज़ बहुत बढ़िया तो uh, मेरा यही मानना है यार कि लॉ सबके लिए एक मैंडेट सब्जेक्ट कर देना चाहिए बाकी व्यक्तिगत रूप के फॉर्म में अगर मैं uh, ये बात करूँ तो uh, जो uh, लॉ है वो यू you नो know, हर किसी को आना चाहिए कि हर किसी को अवेयर एवरीबडी शुड बी अवेयर अबाउट देयर लॉज एंड राइट्स एंड उसकी वजह से यू नो हैव टू फेस अ लॉट ऑफ़ प्रॉब्लम्स जो कि वो ओवरकम कर सकते हैं आई थिंक बहुत सारा करप्शन जो रूट लेवल पे है उसमें बहुत सारे तो इग्नोरेंस की वजह से ही बिकॉज पीपल आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट करेक्ट कर अबाउट इट्स इन दैट सेंस यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क बिकॉज यू आर एजुकेटिंग पीपल एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोग वो जो मैसेज कर रहे हैं उनको काफ़ी वैल्यू उस कॉन्टेंट से मिलती होगी सो एज अ लॉयर जब आप अपनी लाइफ देखते हैं तो उसके कुछ क्या तो बेनिफिट्स आपको लगते हैं और क्या चैलेंजेस सबसे मेजर चैलेंजेस क्या लगते हैं देखिए एज अ लॉयर आपके पास ना एक यू नो पावर आ जाती है पहले मैं बेनिफिट की बात बताता हूँ एक पावर आ जाती है कि यार इफ इफ यू आर डीलिंग विद एनी एनी सिचुएशन तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह यू नो उससे घबरा नहीं सकते आई मीन यू नो यू 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 डोंट रन आफ्टर अदर लॉयर्स अदर एडवोकेट्स यू नो लोगों में तो कोर्ट के हाँ, नाम से, कोई से फोबिया होता है, हाँ, है। कोर्ट के नाम से लोगों को फोबिया हो जाता है कि यार कोर्ट कचहरी का मामला है तो एक ये पावर आ जाती है कि हाँ यार वी कैन यू नो इफ समथिंग विद अस वी कैन यू नो जस्ट सेट अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक द अपना कोई भी रिस्पेक्टिव uh, सोल्यूशन उसके बेनिफिट तो यही है काफी सारे और भी बेनिफिट्स हैं बट मैं मेनली इसको मानता हूँ कोई इसका मिसयूज़ करता है सर देखिए मिसयूज़ तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी इस <laughs> <सर>, प्लेटफॉर्म <प्राट्वर्ण laughs> से तो बट मैंने आज तक मिसयूज़ नहीं किया एंड मैंने अपने आसपास अपने वकील दोस्तों को मिसयूज़ करते हुए नहीं देखा बट येस पीपल कैन मिस लॉ एज वेल कि अगर कोई यू you नो know, ब, अपने एडवोकेट को दिख रहा है कि कोई क्रिमिनल है देन ऑल्सो यू नो ही हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द कोड तो वही है किन बी यूज तो आई थिंक नॉट द राइट वर्ड बट कभी अपना थोड़ा सा रुतबा दिखाने तो के हाँ, लिए उसके लिए यूज होता है कि थोड़ी पावर दिखाने के लिए नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता मतलब जो करते भी हैं तो आई वंट फाइंड इट राइट बिकॉज यार एक ये बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है एंड इफ़ यू नो एनी एनी सोल्यूशन फ़ॉर एनी प्रॉब्लम तो आप ठीक है ना आप सही ढंग से सही तरीके से उसको लेके जाइए रुतबा दिखाने में क्या है इसमें कुछ नहीं रखा सो so, एक चीज़ मैं कई बार खुद भी सोचता हूँ कुछ लॉयर मेरे दोस्त भी हैं कुछ स्टूडेंट्स भी हैं तो कई बार एक जब क्लाइंट आपको मिलता है तो आई थिंक इतने केसेस देखने के बाद में इंटिवली तो आपको कुछ तो आइडिया लग जाता है कि ये कल्पिट है या नहीं ये इनोसेंट है तो उस मोमेंट में अपना एथिक और अपना प्रोफेशन इन दोनों में से जब एक चूज़ करना होता है तो हाउ डू यू मेक दो डिसीजन सर देखिए हमें स्टार्टिंग से ये सिखाया गया है क्लाइंट भगवान होता है हमारे लिए एंड अगर क्लाइंट आ रहा है हैज समथिंग टू टेल अस तो वो खुल के हमें बताए और बाकी हमें हम हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि यार ये सही है गलत है वी जस्ट डिपेंड ऑन वॉट क्लाइंट सेज टू अर्स जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस वो हमें बताते हैं वी जस्ट डिपेंड आर यू नो नॉलेज ऑन दैट थिंग और एथिक्स और उसकी बात रही तो उसके लिए अलग अलग एथिक्स है फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना एथिक है कि यू नो आई एंटरटेन एनी केसेज जो कि यू नो वमेन के अगेंस्ट हो देट दैट वुड बी यू नो रेप डिफेंडिंग केसेज तो ये मेरा अपना एथिक है एथिक इस हिसाब से देखे जाते हैं बाकी अगर आपका क्लाइंट आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा है तो यू you नो know, अपने अंदर से एक फीलिंग आ जाती है दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस कि ये सच बोल रहा है गलत बोल रहा है बट ऑल वी हैव टू डिपेंड कि हाँ क्लाइंट की क्या फैक्ट्स है उसी के अकॉर्डिंग हमें कोर्ट में तो आपको वो जो क्लाइंट बट एट द सेम टाइम कुछ केसेस में आई थिंक uh, मैंने एक पैटर्न देखा है कि बहुत सारे लॉयर्स में एक एथिकल वो पॉइंट तो रहता है जैसे आपके केस में आपने एक रेप का ले रखा है कईयों में कोई दूसरी चीज़ रहती होगी कि वो अगर आ गया तो नहीं लेने वाले करेक्ट 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 कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर सकें जो लोगों को पता होनी चाहिए स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो बहुत सारे रिश्तों में बड़ी टॉक्सिसिटी में लोग जीते हैं राइट right? तो और वो को उनको हैंडल करना नहीं आता है तो किस हद तक क्या लीगल राइट right उनका बनता है कोई इमोशनल टॉक्सिसिटी चलो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्या लीगल राइट right बनता है मैं रिसेंटली कहीं खबर पढ़ रहा था कि इमोशनल अब्यूज़ को भी कुछ क्रोअल्टी अगेन वेमेन माना जाएगा ऐसा कुछ रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था तो उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें तो देखिए मेंटल क्रूअल्टी की आप जो बात कर रहे हैं एंड यू नो एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं सो आई पर्सनली गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट दीज रिलेशनशिप थिंग्स कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में ये हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में ये हो रहा है एंड मोस्ट ऑफ देम आर यू नो मेंटली हैरेस्ड मेंटली देव देव डिस्ट्रॉयड देयर मेंटल पीस ड्यू टू रिलेशनशिप्स तो uh, मेरा ये मानना है कि इसमें uh, काफ़ी सारे लॉज भी हैं विच कैन प्रोटेक्ट योर राइट्स विच कैन प्रोटेक्ट योर यू नो वट यू हैव बिन थ्रू एंड फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है अगर किसी के साथ यू नो घर में इमोशनल अब्यूज हो रहा है दैट पर्सन कैन फाइल अट केस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इवन फॉर इमोशनल अब्यूज बिकॉज सेक्शन ट्वेल्व ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इट क्लियर एक्सप्लिसटली सेट कि आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का इमोशनल अब्यूज हो रहा है देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड यू कैन फाइट दीज केसेज अगेंस्ट एनी एनी इमोशनल सो इट कम्स इन अटेगरी ऑफ मेंटल तो ये सारे जो ग्राउंड बनते हैं अब एगनी के मेंटल uh, हेरसमेंट के तो इट कम्सर मेंटल क्रूअल्टी मेंटल क्रूअल्टी को अलग एक यू you नो know, दिशा दी गई है वेदर मेड भी इन द आई पी सी इंडियन पिनल कोड में हो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस में हो चाहे मेल you know, uh, के प्रोटेक्शन राइट में भी हो जैसे अगर ये वर्ड मेंटल क्रुअलिटी देखते हैं तो क्या क्या चीजें कुछ अगर कुछ एग्जाम्पल दे इसमें इंक्लूड हो सकती हैं इसमें मेनली ना जो वुमेन होती है वुमेन सेक्टर ज्यादा सफर करता है बिकॉज okay. इज uh, कि उनकी शादी हो जाती है यू you नो know, वो रिलेशनशिप नहीं निभा पा रहे हैं उनके जो यू नो इन लॉज हैं या फिर हजबेंड हैं तो उनके साथ मेंटल क्रूएल्टी ज्यादा होती है इस मामले में तो ये जो लॉज भी है वो भी काफी ज्यादा इंक्लाइंड है वुमेन की तरफ से कीपिंग इन माइंड कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं ये चीजें काफ़ी ज़्यादा हो रखी है इन पास्ट ओनली फॉर वुमेन बट आप इसमें कह सकते हैं कि मैन के लिए भी ये चीज़ें हैं मतलब uh, इतनी इनक्लाइंड नहीं है जितनी इंक्लाइंड वुमेन के लिए है बट मैन के लिए भी एक मेंटल हेल्थ बींग अ मेंटल स्टेबल पर्सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द लॉ हैज्सो कंसिडर्ड इट नो बींग हैंग साइड ऑफ मैन एंड वुमेन बोथ जैसे कई बार जैसे मैं एक विलेज बैकग्राउंड से भी आता हूँ तो जो डावरी सिस्टम है और वो जो मेंटल अब्यूज़ कई बार डावरी को लेकर ले के दहेज को लेकर किया जाता है तो वो भी मेंटल क्रोअल्टी में ही आएगा अगर उसे बार बार हैमर किया जा रहा है बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया कि मेंटल क्रुअल्टी आईपीसी में भी है आईपीसी पी विच इज़ इंडियन पीनल कोड 1860 जो कि 498 ए सेक्शन 498 ए के अंडर आता है ये जो आप डाउरी से रिलेटेड मेंटल क्रेलिटी की बात कर रहे हैं एंड ये लॉ ने इस पर फोकस किया है कोर्ट्स ने इसके ऊपर फोकस किया एंड देर आर लॉड ऑफ केसेस जो कि डेली आते हैं डाउरी के लिए बट फेक केसेस भी आते हैं बट यू नो जजेज नो हाउ टू डील मतलब वो तो यू नो दे नो हाउ टू डील विद सच केसेस एंड उनको पता लग जाता है हाँ क्या सच है क्या नहीं है वो देवरी so the सो right. so ये जो अच्छा अपने पॉइंट बताया जो कई बार फेक आते हैं तो ये जो केसेस चलते हैं कई बार आ, कोई लोग प्रोफाइल बनाते हैं फिर मे भी शादी करते हैं या चीट करते हैं और दहेज लेके फिर कई मैंने सुना कि बाहर चले जाते हैं तो इस टाइप के केसेस को किस तरीके से डील किया जाता है नहीं डील हर टाइप के केसेस होते हैं बट यू नो फैक्ट सबके अलग अलग होते हैं अभी आप है? देख लीजिए अलाहाबाद में अलाहाबाद कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें कि यू नो एक लड़की ने फेक केस डाला था लड़के के ऊपर यू नो दीज बोथ वर इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब पाँच सात साल से थे रिलेशनशिप में तो उन्होंने यू you नो know, उनकी नहीं बन पाई आपस में आगे नहीं बढ़ पाए तो लड़की ने फेक रेप केस डाल दिया उसके ऊपर अब लड़की को दस साल की सज़ा हो रखी है अगर कोई दहेज लेकर बाहर जा रहा है तो उसके भी अलग अलग यू नो प्रोसीजर्स है टू कॉल एम बैक टू इंडिया एंड यू नो अपने केसेस फाइट करके जाए तो हर चीज़ का एक यू नो प्रोसीजरल लॉ बना रखा है ये जो मेंटल क्रोलिटी से रिलेटेड चीज़ें इसमें पुलिस कितना ज़्यादा सपोर्टिंग रहती है एफ़ लेने में बिकॉज कई बार तो कोई मेजर इशूज़ में भी ऐसा हो जाता है कि ईजीली एफ़ ली नहीं जाती है तो हाँ, कैसा ट्रेंड रहता है जनरली हाउ सपोर्टिव दे आर डू दे अंडरस्टैंड डू दे सपोर्ट और वॉट देखिए मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेंटल क्रूअल्टी का जब कोई कंप्लेंट आता है पुलिस स्टेशन में तो उसको यू you नो know, इतना उसको थोड़ा लाइटली लिया जाता है मतलब right. क्योंकि एफ एक ऐसी चीज़ है वो तभी फाइल्ड होती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस एज इन जिस ऑफेंस की सज़ा तीन या तीन साल से ज़्यादा की है तो उन केसेस में यू नो एफ की तरफ जाया जाता है बट यू you नो know, जो लॉ बनाए गए हैं सरकार ने जो बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाए हैं तो उसमें उन्होंने एक अलग ही डाइवर्ट कर दिया है एक मेंटल क्रूअल्टी uh, uh, से रिलेटेड केसेस को फॉर एग्जांपल कोई महिला जाती हैं उनके साथ मेंटल क्रूअल्टी हो रही है तो पुलिस वाले क्या करते हैं पूरा कॉपरेट करेंगे और उनको वुमेन सेल में भेज दिया जाएगा तो एक वुमेन सेल पूरा क्रिएट किया गया है कि हाँ ए, अगर इस महिला के साथ इन महिला के साथ कोई मेंटल क्रूअल्टी हुई है तो उनके साथ यू नो वील सेंड दैट वुमेन टू अ वुमेन सेल वहाँ पर जाके उनकी मीडिएशन कराई जाएगी सेटलमेंट कराया जाएगा इवन अदर पार्टी को भी बुलाया जाएगा तो पहले ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं वुमेन सेल में अगर वहाँ नहीं निपट पाती तो उसका प्रोसीजर कोर्ट में आगे बढ़ता है बट एक सपोर्ट सिस्टम तो है भले ही एफ आई आर नहीं लेते हैं बट देर इज़ अल्टरनेट वे जिसमें सुलझाने का प्रयास करते हैं जो अभी ए आई जो लेटेस्ट ट्रेंड में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड लोग बहुत सारे थ्रेड्स भी देखते हैं कि इससे जुड़े बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं इस्पेली जो डीप फेक आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है तो इसके अराउंड क्या क्या लोगों में राइट्स हैं या क्या लीगल वो जा सकते हैं क्या ऑप्शनस उनके पास में रहते हैं इन इश्यूज से डील करने के लिए या फिर यही के अराउंड अगर आप बता सकें कुछ लीगल अभी है कुछ चीज़ें बिल्कुल है अगर आप डीप फेक की ही बात ले लेते हैं अगर कोई यू नो इफ़ समवन मेक्स एनी डीप फेक वीडियो तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट पूरा बना हुआ है उसके लिए एंड यू नो पीपल जो भी ऐसा लोग बनाते हैं तो उनको यू नो दे गिस एक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ही है उसी में ही है because it is all related to IT. Okay. तो ए uh, आई जो है खतरनाक तो है लेकिन मैं ये भी बता दू की ए आई के पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी हमने ऑलरेडी मार्केट में दे रखी है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है सो so, आप uh,

वॉइस uh, स्टिमुलेशन होती है किसी की वॉइस यू नो ए आई पकड़ के उसी से यू you नो know, मैं एक रिसेंट रिस स्कैम देखा है काफ़ी क्वेरीज आई है मेरे पास इससे रिलेटेड कि मेरे पास फ़ोन आया मेरी सिस्टर का फ़ोन आया मेरे ब्रदर का फ़ोन आया कि मेरे को इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो yes. और ये चीज़ uh, जब मैंने अपने सिस्टर और ब्रदर से पूछी उन्होंने कहा मैंने तो कोई कॉल नहीं किया तो ये चीज़ ए ने करवाई उनके साथ तो ए आई क्या करती है वॉइस को यू नो अपना बना लेती लेती है है कर लेते पे फिर कॉल करके पैसे निकलवा रही है तो ये स्कैम भी बड़ा चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है तो मैं सोचता हूँ कि किस लेवल तक यू you नो know, अभी रिसेंटली uh, मेरे एक जानकार है रिजवान साजन अगर अपने नाम सुना वन परसेंट मैन के नाम से दुबई में जाना चाहता है उन्हें ओके सो ही इज द रियल एस्टेट मुंबई के से निकल करके एंड इज द रियल एस्टेट किंग लगभग फाइव बिलियन का नेटवर्थ उनका है तो उनके साथ भी ये कर दिया गया उनके एक जानकार को उनका वॉइस क्लोन करके कॉल कर दिया गया और कॉल करके हंड्रेड के दिराम्स oh, there you, there. ये ट्रांसफर करवा दिया तो ही मैडम वीडियो कि मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा और कोई चांस नहीं है इस चीज़ का तो प्लीज आप प्रोटेक्टेड रहे तो आई थिंक ये काफी चला था ये ट्रेंड जहाँ पे लोग अभी अभी चल रहा है अभी भी, जारी भी चल रहा है बट क्या है ना इसका भी सोल्यूशन दे रखा है लॉ में मतलब oh. अगर इंडिया में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है देन यू कैन एनी टाइम अप्रोच साइबर क्राइम सेल आप या तो साइबर क्राइम सेल डॉट जी ओ वी डॉट आई एन पे जाके इसकी कंप्लेन रजिस्टर कराइए okay. या आपको लगता है कि आपके साथ स्कैम हो चुका है वाला तो आप तुरंत वन नाइन थ्री जीरो पे कॉल करिए और अपनी कंप्लेट रजिस्टर करवाइए बिकॉज साइबर क्राइम सेल इज वर्किंग सो हार्ड टू यू नो डी डी मोनिटाइज द

तो वही डीप फेक को लेकर अब अपनी एक नई प्रोफाइल खड़ी कर देते हैं हमारे ही चेहरे से कंटेंट बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अब लोगों को यू नो फेस वैल्यू पे ट्रस्ट है यू नो इफ दिस पर्सन इज़ सेंग हाँ सही होगा इफ दिस पर्सन इज सेंग दैट सही होगा बट जो वो डीप फेक वीडियोज़ है उसमें काफ़ी लोग पहचान नहीं पाते चीज़ें कि हाँ ये वो जेनुअन पर्सन है या नहीं है अब उनके मुँह से कुछ भी बुलवा दे वो तो ये स्कैम भी बड़ा ख़तरनाक हो सकता है आगे मतलब आपका कोई यू नो सेलिब्रिटी जिसको आप यू you नो know, इंस्पायर जिससे इंस्पायर होते right. हैं इन्फ्लुएंस होते हैं वो अगर आपको कोई गलत चीज़ बता रहा है देन इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर जब आप इतना वर्क करते हैं और कई बार बड़े सेंसिटिव केसेस भी आते होंगे राइट जो मेंटली कई बार डिस्टर्ब कर सकते होंगे तो डज दैट हैपन कि कुछ अगर आप ऐसा डिस्कशन कर सकें नहीं सर बिल्कुल आते हैं बट मैं केसेस नहीं बताऊंगा बट बत ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जो कि यू नो एक मेंटल इम्पैक्ट दे जाते हैं हमारे ऊपर जिसकी वजह से एन्जाइटी भी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है हाँ कहीं ये सिचुएशन हमारे ऊपर होती तो हम कैसे डील करते क्या होता क्या नहीं होता एंड उसके लिए जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं चीज़ें तो यू नो इट 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 यू नो इट अटैच इट ऑलवेज अटैच टू आर स्किन इट ऑलवेज अटैच टू आर ब्रेंस कि हाँ यार ये सिचुएशन को अपने ऊपर लेके देखो देन वी फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस थिंग तो हाँ एन्जाइटी लेवल बढ़ते हैं बीपी बढ़ता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है बट एज आई सेड कि मेडिटेशन इज़ द की मैन आई मीन मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा इस चीज़ से मेडिटेशन एक घंटे एक्सरसाइज हो गई वो ही काफ़ी हो जाती है अपने यू नो फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ तो इन चीज़ों को हम इसी तरह टैकल करते हैं जी यार

ही वज इज हैविंग गुड टाइम विद इस फ्रेंड्स उसके बाद कोई आता है यू नो you know, पिस्टल निकालता है उसको मार के चला जाता है दो मिनट में कहानी ख़त्म oh. वो चीज़ भी हमने डील कर रखी है मतलब फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और यू नो ड्यूरिंग दोज डेज फैमिली भी यू you नो know, फाइट बैक करने के लिए आई है बट लीगली फ़ाइट बैक करने के लिए आई है एंड दीज पीपल आर आस्किंग फॉर जस्टिस तो ये चीज़ें दिमाग में भी बड़ा हिट करती है कि हाँ यार यू नो दैट पर्सन यू न्यू दैट पर्सन आपको पता था ये बंदा कौन है और कल परसों आप उससे मिले हो अगले दिन उसके साथ ये हो गया देन यू फाइट यू आर फाइटिंग फॉर गेटिंग जस्टिस तो ये चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट करती है कभी ये चीज़ इम्पैक्ट करती है कि आपको कोई पता था कि दिस पर्सन वॉज़ इनोसेंट एंड बट स्टिल मे बी यू आर डिफेंडिंग इट यू आर नॉट एबल टू डिफेंड सो हाउ डज़ दैट इम्पैक्ट सर मेरे साथ अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट अगर होगा तो मैं वो एक नई फीलिंग होगी उसके लिए अलग पॉडकास्ट रखेंगे हम <laughs> बट जो रियलिटी है हाँ मतलब बट इन जनरल आपने देखा है भले आपके साथ नहीं हुआ बट इन जनरल बिकॉज कई बार ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आती रहती हैं जिसमें बताते हैं कि द पर्सन वॉज इनोसेंट और मे बी आठ साल तक जेल में रह गया दस साल तक जेल में रह गया और बाद में उसकी इनोसेंट शायद प्रूव भी हो गई और फिर बाद में उसके लिए कुछ किया गया देखिए so, एक आर्टिकल आया था दस साल की जेल हुई थी किसी को मर्डर में और बाद में पता लगा दैट पर्सन वाज इनोसेंट इनोसेंट तो यू नो उसको इस हिसाब से कॉम्पनसेशन भी दी गई यू नो भा, 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 सो दैट ही कैन मूव ऑन हिज इन हिज लाइफ बट जो दस साल उसने गवा दिए तो उसकी आई थिंक कोई कॉम्पनसेशन नहीं सकता है चाहे जितना मर्जी उसको पैसा दे दो आप तो यही है कि हाँ बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ें सुनकर और ऐसा लगता है कि यार हमार हम ऐसा ना करते कुछ मतलब कोई यू नो इनोसेंट आए और हमारी वजह से यू you नो know, ही गेट्स लाइफ टाइम गैसे नहीं पाएंगे तो a... हम रात को <laughs> 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 तो कहाँ पे लूपोल्स रह जाते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या समथिंग नीड्स टू बी चेंज इन सिस्टम बिकॉज मेरी टाइम्स पीपल से दैट केसेज इतने स्लो चल रहे होते हैं कि कई बार लोग महीनों दर महीनों भले ही वो इनोसेंट हैं तो भी वो कस्टडी में रहते हैं या जेल में रहते हैं और जस्ट चलता रहता है वो तो क्या कोई सिस्टम में लूपहोल्स है अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं तो वेयर वुड यू सी द दे इम्प्रूवमेंट देखिए मेरे हिसाब से जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है वो ब्रिटिशर्स के ज़माने का चलता हुआ आ रहा है एंड यू नो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है लोग इतने फास्ट हो गए हैं यू नो एंड पीपल आर लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड हाँ यार मतलब किसी चीज़ में पैर डाला है हाथ डाला है तो जल्दी से रिजल्ट आ जाए लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट कोर्ट केसेस तो वो सालों साल चलते रहते हैं लेकिन कोर्ट ने भी इसके लिए यू you नो know, चीज़ें निकाली है सोल्यूशन निकाले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कर दिए हैं अब यू you नो know, लोक अदालत सेटअप कर दी है ताकि जल्दी जल्दी लोगों के केसेस निपटें जोड़े ओके बट मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस इस बारे में वो ये है कि अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल हम कोई एम में जाते हैं तो दीज पीपल आर यू नो डूइंग डबल डबल शिफ्ट तो इस तरह से हमें भी एक सिस्टम सेटअप करना चाहिए कि हाँ हम कोर्ट्स में भी डबल डबल शिफ्ट बना दें यू you नो know, जिससे क्या होगा कि और जजेस की जॉब्स निकलेंगी और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और प्लस फॉर एग्जांपल अभी 10 से लेके 4 बजे तक का कोर्ट होता है हमारा right. तो इस चीज को हम 10 बजे से लेके 12 बजे तक एक शिफ्ट कर दे या दो बजे तक एक शिफ्ट कर दे दो बजे से लेके सात या आठ बजे तक एक दूसरी शिफ्ट कर दे yes. इससे केसेस क्या हो गए जल्दी बड़ी जल्दी आएंगे डील होंगे बिकॉज 25 से 26 हजार जजेस हैं हमारे पूरे इंडिया में अराउंड और पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में कोर्ट कितने और केसेस चल रहे हैं पांच करोड़ के अराउंड तो आप लगाइए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू नो एवरी जज टू टैकल ईच एंड एवरी मैटर इन देयर पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एज अ जज तो आ, ये चीज़ हम बढ़ा सकते हैं डबल शिफ्ट करवा कर और प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आधे केसेस तो पुलिस स्टेशन तक ही ख़त्म हो जाते हैं अगर करना चाहे तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ इन पर एफ़ आई आर हो गया वो एफ आई आर आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई वो चीज़ें जहाँ पर जो चीज़ें रुक सकती है वहाँ पर रुकवा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस स्टेशन में भी हमें यू नो एडवोकेट्स बिठा देने चाहिए दो या चार एडवोकेट शिफ्ट्स में बिठा देने चाहिए कि हाँ कोई केसेस आ रहा है तो पहले इन भाई साहब से कंसल्ट करो कि इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं ताकि यू you नो know, एक एक एरिया ऑफ ट्रस्ट भी रहे लोगों में हाँ मैं आया हूँ तो यू you नो know, ये सोल्यूशन सही दे सकते हैं हमें ये सरकारी वकील हैं हमारे राइट right. तो इस तरह से भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है हमारे देश में जिससे इम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा केसेस भी बड़ी चलती डील लवली एज अ लॉयर आप काफ़ी सारे चैलेंजेस और सब आपने बताया आध्यात्मिकता का कितना रोल आप अपनी लाइफ में देखते हैं क्या आप स्परिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि आपने काफ़ी बार मेडिटेशन और इन सब चीज़ों का नाम लिया सो so, क्या वो चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहता है बिल्कुल सर रहता है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि मैं बड़ा यू नो आउट ऑफ पाथ चल रहा था एंड एज एन मैन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग यू नो एक एक स्कीड्यूल फॉलो करना स्टार्ट किया एंड इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर तो मुझे अपने आप ही रास्ता दिखता गया आई I मीन mean, उसके लिए किसी की मेरे को यू नो एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ी तो इट वॉज़ ऑल नेचुरल इट वॉज ऑल स्परिचुअल आई वुड से बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी फोकस लेवल बढ़ जाता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी uh, हो जाती है तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया बींग अ स्पिरिचुअल पर्सन कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो एक्टिव हो जाता है इन यू कैन सी वॉट इज़ राइट वॉट इज़ रॉन्ग वेरी क्लियरली बिफोर यू मूव टू द रेपिड फायर एनी थ्री लेसन जो आप अपनी अभी तक की जिंदगी में से लोगों को देना चाहेंगे थ्री लेसन मैं यही बोलूंगा यार आई I मीन mean, जब आपको भी कुछ अचीव करना है लाइफ में स्टे फोकस्ड अपना मेंटल पीस बना के रखो यार क्योंकि अगर मेंटल पीस बना रहेगा तो लंबे चलोगे अदरवाइज ढके ले जाओगे और दबोचे जाओगे दूसरी चीज़ यार अपने एक यू नो प्रिंसिपल्स फॉलो करो और यू you नो know, अपने एथिक्स साथ में लेके चलो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है आपको पता होता है कि हाँ मैं सही रास्ते राइट जा रहा हूँ तो गलत रास्ते लेफ़्ट जा रहा हूँ ऑल यू हैव टू डू इज़ टू चूज़ द राइट पाथ एवर आप गलत रास्ते जाओगे तो फिर गलत ही होगा सही जाओगे तो सही होगा और ये सबको पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है राइट right. और तीसरी चीज़ यार लोगों की ब्लेसिंग्स लेते रहो लोगों की हेल्प करो किसी तरह किसी भी जरिए के थ्रू एंड जब इन लोगों की यू नो दुआएं लोगों की ब्लेसिंग्स उन लोगों की स्माइल्स आपको हिट करेंगी तो यू you नो know, आपको अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक आपने कहा सही रास्ते पर चलो तो कभी ऐसा हुआ कि कोई थ्रेट मिला हो कि कई बार आप सपोज कि आप किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट में हैं और अपोजिट पार्टी ने कुछ थ्रेट करने का कोशिश किया हो ऐसा कुछ हुआ कभी सर देखिए मुंह पे तो थ्रेट नहीं मिलता बट ऑबियसलीफ वी आर डीलिंग criminal सच क्रिमिनल jisme ki जिसमें कि यू नो सामने वाली पार्टी इज़ मोर लाइक अ क्रिमिनल और माफिया टाइप तो अपने को एक अंदर से यू नो प्रोटेक्शनल वैल्यू समझ आ जाती है अपनी कि हाँ यार इफ़ आर डीलिंग विद दिस केस तो यार आप कोर्ट में सबके कोर्ट के बाहर नहीं हो <laughs> तो वो चीज़ हमेशा माइंड में रहती है एंड यू नो यू बिकम्स मोर प्रोटेक्टिव अबाउट योर फैमिली योर यू नो अवेयर अबाउट इनफैक्ट इन चीज़ें को ध्यान में रख के हमें भी यू you नो know, फोक फूक के कदम रखने पड़ते हैं कि हाँ लेट्स लेट्स नॉट टेल एवरीबडी एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ तो वो एक प्रोटेक्शन बिल्कुल, बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज अपना कॉन्शियस लेके चलना पड़ता है हर चीज में राइट परफेक्ट सो तो नाउ विल मूव तो टू द रैपिड फायर सो गेट रेडी आशीष आपके हिसाब से वुमेन राइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट लीगल चेंज क्या होना चाहिए वुमेन right में uh, कोई चेंज ऐसा एस सच नहीं होना चाहिए क्योंकि वुमेन हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मैं ये कहूँगा कि वुमेन के काफी सारे राइट्स ऐसे हैं जो कि यू नो मेल्स के काफी अगेंस्ट है अच्छा एंड अ लॉट ऑफ लॉज अ लॉट ऑफ राइट्स आर इंक्लाइन टू वर्ड्स मोर इनक्लाइन टू वर्ड्स वुमेन जो कि हमें इक्वली करने चाहिए मतलब इक्वली सेटल करना चाहिए एक ऐसा लॉ जो हर मैन और वुमेन को पता होना चाहिए यार आपको आपके डेली लॉज पता होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लॉज है आप बचा रहे हो तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आपको पता होने चाहिए yeah, आपके फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैं काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कि यार इफ़ वी आर सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस एंड वी आर जस्ट यू नो हैंगिंग अराउंड एंड नॉट डूइंग एनी ऑफ एक्टिविटी तो उसके लिए हमारे पास क्या राइट है देन आई वुड लाइक टू टेल द पीपल कि आपके पास सेक्शन 294 आपको पता होना चाहिए आईपीसी का कि विच क्लियरली सीज दैट इफ़ यू नॉट डूइंग एनी ऑप्सिन एक्टिविटी इन द पब्लिक प्लेस देन नो बडी आई मीन नो पुलिस मैन केन कम एंड इंटरवीन इन योर रिलेशनशिप दैट यू आर हैंडलिंग एनिमल क्रूअल्टी के खिलाफ आपके कोई फेवरेट लीगल पिक्चरी चाहिए देर स्ट्रीट डॉग्स जहाँ पर मैं गया था देहरादून गया था तो वहाँ पर मैंने कुछ समय बिताया कुछ काम था वहाँ पे। तो इट्स बिन टेन फिफ्टीन डेज़ में वहाँ पे रहा उसके बाद ना मेरे नेबर में ही यू नो देवर सम पीपल हु यूज टू हिट स्ट्रीट डॉग्स तो फिर उनकी कंप्लेंट लिखवाई उनके अगेंस्ट एक्शन करवाया बिकॉज इन इफ इवन आई वॉन्ट टू टेल योर पब्लिक आई वॉन्ट टू टेल हु इज़ लिस्निंग टू दिस पॉडकास्ट कि इफ़ समन इज़ यू नो फिज़िकली स्ट्रीट डॉग्स फिजिकली अब्यूजिंग एनी एनिमल यू कैन जस्ट सिम्पली फाइल अ पुलिस कम्प्लेंट आप फोर 428 429 फोर ट्वेंटी में उनको यू you नो know, सज़ा दिलवा सकते हैं उनके अगेंस्ट कम्प्लेंट करवा सकते हैं अब इसका एक दूसरा आस्पेक्ट भी मैंने देखा है रिसेंटली जहाँ पे इतने कैसेज आते हैं कि आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट जहाँ पे कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके काटने से बहुत सारे लोगों में रेबीज़ होना या होना होता है तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करें गवर्नमेंट लेवल पे कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है देखिए गवर्नमेंट अपनी यू uh, नो you know, एक गवर्नमेंट ने भी अपना चालू कर रखा है कि हाँ जितने भी म्युनिसिपल uh, को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको सबको डायरेक्शंस दे रखी है कि सबको uh, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको रेबीज फ्री बनाया जाए उनको ढंग से मेडिकेशन दी जाए एंड दीज पीपल आर डूइंग देयर जॉब एंड देखिए जहाँ तक रही कुत्तों के काटने की बात जैसे कि आपने बताया डॉग्स काट लेते हैं किसी को तो देखिए उसका यही है कि आप यू कैन यू कैन ऑलवेज़ फाइल अ कंप्लेंट इन म्यूनिसपल कॉरपोरेशन कि आपके साथ ऐसा हादसा हो रहा है या आप हर रोज़ इस गली से जा रहे हैं तो ये फ़लाना डॉग आके यू you नो know, आपकी काम में इंटरफेयर करता है इंटरवीन करता है तो इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए तो वो खुद आएंगे उसको उठाएंगे या तो कहीं और उसको रिप्लेस करेंगे या दे आर गोइंग टू यू नो वर्क ऑन योर यशू तो जैसे अभी मैं सितंबर में लंदन में था तो वहाँ कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते हैं तो वो वो क्या सिस्टम है उनका वो किस तरीके से मैनेज करता है वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पैट्स आर देयर बट स्ट्रीट <laughs> डॉग्स कोई देखने नहीं मिलते हैं। देखिए वहाँ पर एक सिस्टम है कि आप जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं पेड डॉग्स होते हैं उनके लिए एक यू नो सेवेज होम बनाया जाता है जहाँ पर उनको रखा जाता है और उनकी केयर करी जाती है बट बीइंग एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और यू you नो know, सब अपने में इतना बिजी हैं और इवन uh, सरकार जो है स्टेप्स लेती हैं बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं बट मेरा यह मानना है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए एक स्पेशल होम बनना चाहिए कि हर एक एरिया में एक स्पेशल होम होना चाहिए जहां पर स्ट्रीट डॉग्स को फीड करा जाए वहां पे उनको रखा जाए ट्रेन करा जाए और इससे क्या होगा कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा कि लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा सरकार जो प्रोवाइड कर सकती है और लोगों की सेफ्टी में भी ज्यादा यू नो हैम्पर नहीं होगी चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए आपका फेवरेट एक्टिविटी क्या है सर मेडिटेशन ऑलवेज मेडिटेशन और जिम दोनों में से क्या प्रेफर कर मेडिटेशन आपकी ऑल टाइम फेवरेट बुक कौन सी है और इसमें आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है सर मैं ऑल टाइम नहीं बोलूँगा बट आई कीप ऑन रीडिंग बुक्स बट अभी जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ वो है एक ही गाय एंड इट्स अ ब्यूटिफुल बुक बिकॉज उसमें आपको बताया जाता है कि यू नो हाउ टू कीप योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सो बैलेंस सो दैट यू कैन यू नो अचीव योर थिंग्स इन लाइफ जो कि आप चाहते हैं इट्स अ ब्यूटिफुल बुक फ्री टाइम में आपका सबसे पसंदीदा एक्टिविटी क्या होता है फ्री टाइम में मैं योगा करना प्रेफर करता हूँ बिकॉज माई फादर इज़ हिमसेल्फ पी एच डी इन नेचुरोपैथी सो उन्होंने बचपन से ही यू you नो know, हम दोनों भाइयों को ट्रेन कर रखा है एंड इफ आई टेल यू योगा से बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं है लाइफ में आई मीन I mean, क्या आपको लगता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ लॉज और उसके बारे में अवेयरनेस और ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए सर बिल्कुल होनी चाहिए एंड यू नो मैं तो चाहता हूँ मेरे जैसे और करोड़ों इन्फ्लुस पैदा हुए जो कि आज की डेट में हो भी रहे हैं और यू नो दे आर डूइंग देयर बेट कि हाँ लोगों को अवेयर कर रहे हैं चीज़ों से एंड यू नो जो भी साधन हमें मिल पा रहे हैं उसके थ्रू यू नो वी आर जस्ट मेकिंग आर स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट देयर लॉज एंड राइट्स और ये हर तरीके से होना चाहिए जो भी हमें साधन मिले आगे आ गया किस तरीके के केसेस आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं मेरे को ना चैलेंजिंग चीजें बहुत पसंद है तो जब भी मेरे पास बेल मैटर्स आते हैं क्रिमिनल बेल मैटर्स आते हैं तो uh, और उसमें इफ आई अचीव यू नो वॉट आई आई हैड गॉन टू अचीव इन द कोर्ट मतलब बेल मिल जाती है तो मेरे को वो इनर सेटिस्फेक्शन बहुत यू नो अच्छी लगती है बिकॉज बेल इज़ द ओनली मैटर जहाँ पे ना आप बड़ा स्विफ्टली यू नो आपको डिसीजन मिल जाता है बाकी चीज़ें तो थोड़ी प्रोसीजर वाइज लटकी रहती है लटकी रहती है आपके करियर का सबसे सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग डिसीजन या मोमेंट एज आई टोल्ड यू इन कोविड कि वैन आई वॉज ऑन माई फोन यूजिंग सोशल मीडिया and it was it was just a useless method at that point in time for me which i was doing So, uh, uske baad mere thought hai, yaar isko useful kaise banaya and this is what i've created in you know these four five years Lovely. and who inspires you the most yeah everybody inspires me who is doing good even you you are an inspiring person for me aap bhi apna kaam kar rahe hain jo apna kaam se se karta hai, he is an inspiration yeah thank <laughs> you